हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज आपको पता है, आज शिवरात्रि और आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम जा रहे हैं अभी मंदिर, तो हम लोग रेडी वगैरह हो चुके हैं और बस अब बाहर भी आ चुके हैं। तो पापा स्कूटी निकाल रहे हैं, फिर चलते हैं। फिर आपको मैं आज शिव जी के दर्शन करवाती हूँ। तो गाइस चलो चलते हैं, बाय बाय। तो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ अपना गेटअप, कि आज मैंने क्या पहना है। मंसले से पकड़, मुझे दिखाई ऐसी। तो गाइज ये मेरा लुक है, आप देख सकते हैं मैंने पहना है आज ज़्यादा सूट। तो आपको कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लगी हूँ। तो चलो चलते हैं सीधा मंदिर, वहाँ पे मैं आपको मिलती हूँ। बाय बाय। तो गाइस अब हम यहाँ से जा रहे हैं पैदल, क्योंकि नीचे बहुत उतराई है बस। और अब हम पैदल चल रहे हैं और नीचे से चलेंगे, हम पैदल ही जाएंगे पूरा मंदिर तक। चलो फिर मिलते हैं सीधा मंदिर में, बाय बाय। क्यों बोलूँगा, थोड़ा आगे जाते, चलो बंद कर दो। मम्मी का कैप्चर तो मैंने तुझे करी, तुझे मैंने कैप्चर करी। खेत वाला तो सामने है, मंदिर दूसरी वाली साइड। अच्छी गंदे में बताओ यार, मम्मी वहाँ गंदा है साइड में। फैशन कौन करेगा, वंश वर्मा। जरा मेरी शक्ल तो दिखाओ प्लीज, आप काले आ रहे हो गाइस, काले। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना नीचे है, और हम जबकि आधे रास्ते में स्कूटी से भी आए थे, और अभी भी इतना ज़्यादा नीचे है, आप देख सकते हैं। और ये है वंश वर्मा, इधर आओ। तो आप इसे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, क्या आपका नाम इंस्टाग्राम में, क्या वंश 301। तो इसका इंस्टाग्राम में नाम है वंश 301। तो आप इंस्टाग्राम में जाए और इसे फॉलो करें, और ये बहुत अच्छी फोटोज़ वगैरह एडिट करता है, तो आप जाके इसे देखें, उसे फॉलो भी जरूर करें। तो ये मेरा भाई है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो चलो चलते हैं फिर, और अभी भी हम लोग अभी सिर्फ आधे रास्ते में पहुँचे हैं, और यहाँ ऊपर से हम आए थे, काफ़ी दूर है। पिछले बार भी मैंने इसका ब्लॉग बनाया, तो आपने देखा ही होगा। तो आप मेरा पहला वाला ब्लॉग भी देख सकते हैं शिवरात्रि का, उस दिन भी हम यहीं से आए थे। तो इस बार भी हमने सोचा यहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत मज़ा आता है, यहाँ पर आना फिट का मज़ा भी आता है, मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार भी हमने सोचा चलो यहीं जाते हैं। तो चलो मैं आपको सीधा मिलती मंदिर के पास, चलते भी हाँ। मुझे दिख तो रानी से आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता। टेढ़ा रखूँ, टेढ़ा सड़क भी देखनी, मम्मी ऊपर ही नहीं उसमें कुछ देखने। तो फिर पापा कितने दूर है, पापा आए हैं फर्स्ट टाइम, हम तो पिछले बार भी आए थे और पापा इसी बार आए। तो बस अब हम पहुँचने वाले हैं, क्योंकि हमें गाने की आवाज़ तो सुनाई दे रही है, तो मंदिर बस हम पहुँचने ही वाले हैं। तो गाइस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। पिछले बार तो हमने एंट्री करी थी दूसरे वाले रास्ते से, पर इस बार वो बोल रहे हैं कि इस वाले रास्ते से जाना है, तो इस बार हम दूसरे वाली जगह से एंट्री कर रहे हैं। जिस साइड से हम पहले गए थे, उस साइड से हम वापस आएंगे, तो इस साइड से हम जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं, मतलब हम पहुँच ही गए, आप देख सकते हैं आगे ये मंदिर है, और इच्छा का जो आपको दिख रहा है ये मंदिर है, यहाँ से अभी ऊपर जाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, शिव शरण शिव को लाटेश्वर।
तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे। तो अब हम पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर में दर्शन करेंगे, अभी दर्शन करते हैं, तो काफ़ी भीड़ हो रही है, फिर मैं अभी आगे चलते हैं। चलो फोटो ले ले। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, दर्शन वगैरह हमने कर लिया है, और अभी मतलब कढ़ी चावल भी था भंडार में पर हमने खाया नहीं क्योंकि अभी वो बन ही रहा है, तो पापा को जाना था ड्यूटी, तो पापा ने बोला चलो, इसलिए हमने कढ़ी चावल वगैरह नहीं खाया, बस हमने खीर वगैरह और हलवा वगैरह खा लिया था प्रसाद में। और अब हम जा रहे हैं घर, और अब आप देख ही रहोगे मुझे सांस लग रहा क्योंकि हम आपको मैंने दिखाया था नीचे आते कितनी उतराई थी, अब उतनी चढ़ाई में ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्योंकि स्कूटी हमने बहुत ऊपर खड़ी करी है। बस अब चलते हैं, स्कूटी तक पहुँचते हैं जैसे तैसे, एक तो चला नहीं जाता, और अब पहुँच के मैं सीधा आपको वहाँ मिलती हूँ जहाँ पर स्कूटी हमने खड़ी करी है। तो गाइस अभी हम पहुँचे सिर्फ आधे रास्ते में, थक लगी, मैं आपको चढ़ाई दिखाती हूँ कितनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये चढ़ाई, इस चढ़ाई से हम आए थे, और ऐसी चढ़ाई दो और है नीचे, मतलब इस मोड़ के बाद एक और चढ़ाई, फिर एक और मोड़ के बाद एक और चढ़ाई, और हमारी हो चुकी है हालत डाउन, बस वो अभी तक थकान लगी, और बस थोड़ी देर तक अभी हम ऊपर पहुँचेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे हम स्कूटी में, तो हमें सीधा आपको मिलती है ऊपर क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगी। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके थे स्कूटी के पास, और अब हम सब लोग बैठ चुके हैं, और बस अब निकलते हैं, हम निकल ही चुके हैं, और मेरी तो हालत ख़राब ही हो चुकी है, आप देख सकते हैं पसीने पसीने से पूरी हालत ख़राब हो गई गाइस, इतनी चढ़ाई कि मैं आपको क्या भी बताऊँ। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको सीधा घर, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं सीधा आपको घर में मिलती हूँ, तो चलो गाइस बाय बाय, तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मंदिर में भी थोड़ा माथा लगेगी। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अब घर, और कुछ बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी क्योंकि क्या बोलते हैं
एक तो इतने काफ़ी टाइम से है, मतलब मैं घर पे ही हूँ, मतलब वॉक वगैरह भी नहीं करती कुछ, तो चढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, मम्मी की भी हालत ख़राब हो गई थी और मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी। और बस अभी जस्ट हम घर पहुँचे हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। क्या मिलती हूँ मैं आपको सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरा ब्लॉग भी अच्छा लगते हैं गाइस तो प्लीज़ कमेंट भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो गाइस चलो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और आपको एक और बार महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।